हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम जयंत महापात्रा की बहुत ही फेमस पोयम अ कंट्री की समरी देखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जयंत महापात्रा की पोयम्स जैसे कि हंगर, ग्रैंडफादर की समरी भी चैनल पे अवेलेबल है, सो आप उसे भी जाके चेक कर लीजिए। और सो बेसिकली ये पोयम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं है, ये उन सभी कंट्रीज़ के बारे में है जो अभी भी डेवलप नहीं हुई हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी देखी जाती है। इनफैक्ट दिस पोएम इज़ फुल ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक अंडरटोन्स। बेसिकली इट इज़ अबाउट पुअर एंड हंग्री पीपल, यानी कि ये गरीब और जो हंग्री लोग हैं उनके बारे में है। ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम टर्की टू कैम्पुचिया, यानी कि टर्की से लेके कैम्पुचिया तक जितनी भी कंट्रीज़ है जो अंडर डेवलप्ड हैं और जहाँ पे गरीबी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लाइन कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, इट्स द डस्ट एवरीवेयर। डस्ट यहाँ पे पावर्टी को कहा गया है, गरीबी को कहा गया है। और एवरीवेयर पोइट का मतलब है यानी कि उन सभी कंट्रीज़ जहाँ पे अभी तक गरीबी है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं। The burden on my eyes, for they belong to Asia where the air. So यहाँ पे स्पेशली एशिया की जो कंट्रीज है उनके बारे में बोला गया है। The air is burned. इसका मतलब है कि जो हवा है वो इतनी गर्म हो चुकी है क्योंकि heat of the summer की वजह से। Pile up on their misty whites. यहाँ पे misty whites जो है ये एक्सप्रेशन उन बूढ़े लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो भूखे हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी हंगर को देखते हुए निकल गई। उन्होंने कभी अच्छा लाइफस्टाइल जिया नहीं है और वो उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए। वेयर अ हंगर कीप्स ग्रोइंग फ्रॉम टर्की टू कैम्पुचिया। सो यहाँ पे जो है ये एशिया की कंट्रीज़ हैं और टर्की जो है वो वेस्ट में पड़ता है और कैम्पुचिया जो है वो ईस्ट में पड़ता है। सो बेसिकली पूरी एशिया को कवर करके बताया गया है कि इधर से इधर तक गरीबी है। एंड द ईयर्स कीप ट्राइंग टू स्माइल इन द स्टबर्न स्टारवेशन लाइट। तो जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं स्माइल करने की उनकी पुअर कंडीशन में भी। और ये ही एक तरीका है स्टारवेशन को अपने फेस से हटाने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं, व्हेन डार्कनेस फॉल्स। डार्कनेस यहाँ पे नाइट के बारे में बताया गया कि जब रात होती है। द ओल्ड स्पीक ऑफ द पास विद स्लीपी वॉइसेस, माई ईयर्स ट्रिम्बल व्हेन आई हेयर देयर टेल्स। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जब बूढ़े लोग अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, टेल्स बताते हैं, तो वो इतनी हॉरिबल होती हैं कि पोएट जो है वो कांप उठते हैं ये उनकी स्टोरीज सुन के। कौन की स्टोरीज़ किस चीज़ के बारे में होती है? स्टोरीज़ होती है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में हंगर देखा है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में भुखमरी देखी है। आई लुक एट देयर फेसेस एंड देयर आइज़ आर डेड एज स्टोन। हेयर इज़ माई वर्ल्ड एंड इट मेक्स मी ड्रीम एज अ चाइल्ड, येट वाई डू आई वेयर माई सेल्फ आउट। सो अब पोएट कहते हैं कि जब भी वो उन बूढ़े लोगों की स्टोरीज सुनते हुए उनके फेसेस को देखते हैं, सो उनके जो आँखें हैं उनकी आँखों में उनको कोई भी होप नज़र नहीं आती। बेसिकली जो अब बूढ़े लोग हैं जो खाने की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में कभी खाना नहीं देखा, तो अब वो होपलेस हो चुके हैं। फीलिंग फॉर द गर्ल्स हु डाई बिफोर देयर ब्रेस्ट आर स्वेलन विद मिल्क। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो बहुत सैड फील करते हैं उन लड़कियों के बारे में सोचकर जो शादी से पहले ही मर जाती हैं ड्यू टू पावर्टी एंड स्टारवेशन। वाई एम आई स्टिल हर्ट बाय द लुक इन द हैंड ऑफ दैट ग्रेसफुल नेक्सल गर्ल हु अपीयर्ड आउट ऑफ नाउ एवर दैट विंटर होल्डिंग अ नाइफ एज होल्ड एज हिस्ट्री। सो थर्ड पैराग्राफ में पोएट बहुत ही सैड फील करते हैं जब वो सोचते हैं कि एक ब्यूटीफुल सी नक्सल गर्ल के बारे में, कि विंटर्स का सीन है और उस लड़की के हाथ में नाइफ है जो याद दिलाती है दैट शी वॉज चेन
इन द कॉन्टिन्यूस हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन. समटाइम्स एट नाइट व्हेन ऑल वॉइसेस डाई, मतलब रात के सन्नाटे में पोएट याद करते हैं. माई माइंड सीज अर्थ माई कंट्री टू एक्सेप्ट सैक्रिफाइस एंड लॉस ऑफ फ्रेंड्स एंड सन्स हु वैनिश्ड सडनली इन 72. हाउएवर मच आई प्रोवोक एंड कर्स, आई एम अनेबल टू फोर्स एन आंसर आउट ऑफ यू. व्हेनेवर आई ट्राई टू लिव इन पायस पेनिटेंस एट पूरी और इन द फ्यूरी वॉयलेंस ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, माई रीजन बिकम अ प्रेजुडियस सोरो लाइक सोशलिज्म. सो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि पोएट उस सीन के बारे में सोचते हैं अपनी कंट्री के लिए जहाँ पे लेफ्टिस्ट नक्सलाइट रेवोल्यूशन बहुत बढ़ गए थे, स्पेशली वेस्ट बंगाल में. पोएट कहते हैं कि 1970s में लोग बाग जो थे वहाँ पे वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, बट गवर्नमेंट ने उस मूवमेंट को रोक दिया. काफ़ी लोगों ने अपने फ्रेंड्स को, अपने लड़कों को खो दिया. फिर पोएट कहते हैं कि उनको काफ़ी भड़काऊ, प्रोवोक यानी कि भड़काऊ महसूस होता है, मतलब वो भड़क जाते हैं सब चीज़ें सोच के और वो बद्दुआ देना चाहते हैं बट वो ऐसा नहीं कर पाते हैं. देन पोएट कहते हैं कि वो समझ नहीं पाते क्योंकि एक तरफ तो कुछ हिंदूज जो हैं वो जाते हैं टाउन ऑफ पूरी सो दैट वहाँ पे वो मंदिर वगैरह में जा पाएँ, और कुछ लोग जो हैं वो रेवोल्यूशन करते हैं. एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, नॉट अंडरस्टैंडिंग यू. सो इस पैराग्राफ में पोएट कन्फेस करते हैं कि ना तो वो अपने आप को समझते हैं और ना ही अपने कंट्री मैन को, यानी कि जो उनके देश के लोग हैं उन्हें. लाइक द स्टिल स्ट्रेंज शेप ऑफ हिल्स इन द डिस्टेंस, उनके जो कंट्री के लोग हैं वो बिल्कुल स्ट्रेंज है, अजीब हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि अजीब सी शेप्स होती हैं हिल्स की वैसे ही. I too listen to the far away wailing of hyenas, aware of the dying countryside around them. Poet कहते हैं कि वो सुन पा रहे हैं रोने की आवाज़ hyenas की. hyenas एक तरह का जानवर होता है जो कि, जो hyenas है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी कंट्री में लोग कैसे मर रहे हैं ड्यू टू पावर्टी एंड हंगर. सो ये थी हमारी पोएम की समरी. और आपको, और मैंने इस वीडियो में कुछ अलग करने के लिए, अलग इन द सेंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक एक लाइन इंग्लिश की पढ़ के देन उसका एक्सप्लेनेशन समझाया था, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो वीडियोस होती हैं पोएम की समरीज उसमें मैं इंग्लिश नहीं पढ़ती, डायरेक्ट हिंदी बताती हूँ. सो ये एक्सपेरिमेंट, आई मीन ये तरीका आपको सही लगा सो आप मुझे बताइए, और अगर पहले वाला ठीक है क्योंकि उससे वीडियो छोटी बनती है, सो आप जैसा भी होगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए.